Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से AITS का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जो फिजिक्स का सॉल्यूशन है, AITS सॉल्यूशन फिजिक्स प्लस बैक 02 का है, जो डेट है लिखा हुआ है 18/12 का 2022। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर बनाइएगा, फिर से बनाइएगा, जो नहीं बना है उसको फिर से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर है, एन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2a फ्रॉम कनकेव मिरर। कहता है कि एक कनकेव मिरर है, ये इसका फोकल लेंथ f है और रख दिया गया है 2a पर ऑब्जेक्ट को, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया गया है ऑब्जेक्ट को। लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर, सॉरी मिरर फॉल्स ऑन द प्लेन मिरर। कहता है कि लाइट जो रिफ्लेक्ट जो करता है यहां से, वो प्लेन मिरर पर फॉल करता है, और प्लेन मिरर जो है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन मिरर फ्रॉम द कनकेव मिरर इक्वल्स एफ, एंड प्लेन मिरर इसी पर रखा हुआ है, तो यहां एफ है, तो यहां पर 2f है, तो यहीं पर प्लेन मिरर रखा हुआ है, और लाइट जो है इंसिडेंट होकर के आता है यहां पर, माने यहां पर जैसी आता है तो इस पर आ जाता है। इसका मतलब है ये जो इमेज जो बनाता है यहां पर बनाएगा, इमेज यहां बनाएगा कौन, ये मिरर, माने कनकेव मिरर जो है इमेज बनाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, क्योंकि सी पर का ऑब्जेक्ट का इमेज जो है सी पर ही बनता है, और ये ऑब्जेक्ट जो होगा, ये जो इमेज होगा, ये प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और वो भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब ही काम कर रहा है, तो फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ही एफ ही है, तो फाइनल इमेज जो बनेगा वो यहां बन जाएगा, और यहां से एफ डिस्टेंस पर बनेगा, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है भी बराबर यू होगा, तो यू तो एफ है, तो भी कितना होगा, एफ ही होगा, इसलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे एफ, आंसर हो गया 4। इसको वैसे बनाइएगा आप, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेकंड नंबर, मटेरियल ए क्रिटिकल एंगल आई ए है, क्रिटिकल एंगल आई ए है, ए मटेरियल का क्रिटिकल एंगल आई ए है, और दूसरा मटेरियल है उसका क्रिटिकल एंगल आई बी है, बी का है, और ये भी पता है कि आई ए बड़ा है आई बी से, तो हम ये देखते हैं कि कौन मटेरियल डेंसर है और कौन रेरर है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई ए बराबर 1/μa, साइन आई बी बराबर 1/μb। आई ए बड़ा है आई बी से, तो ये भी बड़ा होगा इससे, यानी कि कह सकते हैं कि म्यू ए 1/μa बड़ा हो जाएगा 1/μb से, यानी कि म्यू बी बड़ा हो जाएगा म्यू ए से, और म्यू बी बड़ा हो जाएगा म्यू बी से, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि ये हो जाएगा डेंसर और ये हो जाएगा रेरर, डेंसर हो जाएगा और रेरर हो जाएगा। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन है लाइट कैन बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट पासेस फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए, देखिए लाइट जो है टोटली जो है पास करता है आई ए बड़ा है इससे, तो यहां से म्यू भी बड़ा हो जाएगा इससे, तो म्यू हो जाएगा डेंसर और ये हो जाएगा रेयरर, तो लाइट जो है बी से ए जाएगा, बी से ए मतलब डेंसर से रेयर में जाएगा, तो जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो टोटल का टोटल रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन जो है सही है, पहला ऑप्शन जो है यहां पर, सॉरी पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन अभी नहीं देख रहे हैं। दूसरा है कि लाइट कैन बी टोटली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट पासेस फ्रॉम ए टू बी,
ए से जब बी जाएगा यानी ए हो गया रेरर, रेरर से डेंसर में जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कब, जब डेंसर से रेरर में जाता है तभी हो सकता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज आई ए माइनस आई बी, ये तो हो नहीं सकता है क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। क्रिटिकल एंगल बिटवीन ए एंड बी इज दिया हुआ है, ए और बी के बीच का क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है। तो ए और बी के बीच का जब क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, ए और बी के बीच का क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, ये निकालने के लिए कहता है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल एंगल के लिए साइन सी तो होता है म्यू रेरर, तो म्यू रेरर हो जाएगा म्यू ए बाई म्यू डेंसर, तो डेंसर कौन हो जाएगा बी, और म्यू ए बाई म्यू बी निकालेंगे तो यहां पर आएगा साइन आई बी बाई साइन आई, यहां से सी इजिकल टू हो जाएगा साइन इन भर्स साइन आई ए बी बाई साइन ए। ये कहां से आया, यहां से आ जाएगा, इसको कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा तो आ जाता है, इसलिए आंसर ये भी हो जाएगा फोर नंबर सही। तो इसका आंसर जो हो जाएगा माने फोर भी ऑप्शन फोर जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू, टू इसलिए होगा कि वन और फोर जो है करेक्ट है। ओके नेक्स्ट है थ्री नंबर, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म है एंगल, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है म्यू माइनस वन इंटू में ए, तो डेल्टा जो है इस तरह का वेरीज कर रहा है, इधर म्यू और के साथ डेल्टा वेरीज कर रहा है और ग्राफ ये दिया हुआ है क्यू का और ये पॉइंट को पी का दिया है। तो देखिए कि एट पी पर, एट पी डेल्टा, डेल्टा तो जीरो है, डेल्टा एम जीरो होगा तो म्यू माइनस वन इंटू में ए इजिकल टू जीरो तभी होगा जब म्यू बराबर वन होगा, इसलिए पॉइंट पी कोरस्पॉन्ड्स टू म्यू इजिकल टू वन, ये आंसर होगा इसका फोर, ऑप्शन फोर करेक्ट है। नेक्स्ट है फोर नंबर, फोर नंबर देखिएगा, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस, देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये है ऑब्जेक्टिव और ये है आई लेंस, और इसका जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का 1.25 सेंटीमीटर और आई लेंस का है 4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 1.5 मीटर बिफोर ऑब्जेक्टिव, माने एक ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया गया है 1.5 मीटर पर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। इमेज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फाइनल इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस पर बना रहा है, अने ये जो इमेज जो बन रहा है वो 25 सेंटीमीटर पर बना रहा है, कौन आई लेंस। चलिए अभी तो बात के चलेंगे हम लोग आई लेंस के लिए, तो कहता है देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कहता है। तो देखिए ये मान लें कि इमेज यहां बनाएगा तो ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा U नॉट और ये हो जाएगा इसका V नॉट मान लेते हैं, और ये हो गया UV, और ये फाइनल इमेज मान लें कि यहां पर बन गया, ये फाइनल इमेज वर्चुअल बनाता है d दूरी पर, तो ये हो जाएगा भी,
हम लोग को ये निकालना है कौन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो वी नॉट प्लस ईवी निकाल लेना है। वी नॉट प्लस यूनिट निकल गया तो आंसर हो गया। इतना बात तो समझ गए। अब देख लीजिए फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए 1/v-1/e=1/f, ये हो जाएगा वी नॉट और ये तो माइनस हो गया ना 1.5 सेंटीमीटर लगता है कि है ये 1.5 सेंटीमीटर है ये सॉरी आई हो जाएगा 1/1.25 1/v0 निकालिएगा तो 1/v0 निकल गया यहां से माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो v0 यहां से निकल जाएगा। v0 का वैल्यू जो होगा v0 का वैल्यू जो हो जाएगा 7.5 आ जाएगा यहां से v0 निकाल लीजिएगा। ठीक है अब चलते हैं इसके लिए, इसके लिए फॉर आइलैंड्स के लिए चलना है। आइलैंड्स के लिए चलते हैं तो हमको ई भी चाहिए, भी पता है -1/e=1/f। देखिए भी पता है, भी है 25 सेंटीमीटर क्योंकि लिस्ट डिस्टेंस पर है तो ई साइड है तो माइनस और ये हो जाएगा ईवी। ईवी तो माइनस से होगा, ये हो जाएगा 1/4 तो 1/ev जो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/25 एलसीएम हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 25 + 4 यानी कि ईवी जो हो जाएगा -100/29। इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम लोग, इसको मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो 100/29 और ये दोनों निकल गया हमको। दोनों को सर जोड़ दीजिएगा इसलिए लेंथ निकालना होगा ना, तो वी नॉट प्लस 100/29 कर दीजिएगा। वी नॉट निकालिएगा तो यहां से आता है 7.5 सेंटीमीटर और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 7.5 + 100/29 इसका आंसर जो आ जाएगा 10.95। माने इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इससे पहला जो ऑब्जेक्टिव लेंस से लेंस फार्मूला लगा करके माने माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप सोच भी नहीं करेंगे, सीधे दो लेंस से सोच लिया। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि वी नॉट निकाल लिया ऑब्जेक्टिव से और आई लेंस से हम लोग यूनिट भी निकाल लिया, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट है फाइव नंबर देखिएगा। द सेटिंग सन अपीयर टू बी रेड, ये तो सही बात है कि भाई सन सेटिंग जो है वो रेड अपीयर होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये गलत है। स्कैटरिंग जो होता है इनवर्सली होता है ना, इसलिए गलत है। तो क्या कहेंगे इसका, सरसन इज फॉल्स सॉरी ट्रू और रीजन जो है फॉल्स है, आंसर हो जाएगा इसका 3। इसको बनाने वाला तो है नहीं, ये याद रखिएगा ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। 6 नंबर प्लेनर वेव फ्रंट, देखिए वेव फ्रंट क्या होता है जरा देख लीजिए, जैसे रे इस तरह से जा रहा है तो इसका वेव फ्रंट ये होगा, ये ऐसे वेव फ्रंट होता है प्लेन, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। अरे जब ऐसे जा रहा था कन्वर्जिंग रहता है ना, तो इस तरह का वेव फ्रंट हो जाता है माने वेव फ्रंट ही हो जाएगा, माने इस तरह का वेव फ्रंट हो जाता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाता है। ठीक है ना, तो पहला है कि प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन ए थिन कन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इन एयर, कहता है कि थिन कन्वेक्स लेंस है। अब प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करते हैं पैरेलल लाइट इंसिडेंट करते हैं,
ये कहां मिलेगा? फोकस पर मिलेगा। तो प्लेन वेव फ्रंट है लेकिन ऐसे वेव फ्रंट हो जाता है, फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाता है, ठीक है ना। वेव फ्रंट प्लेन है लेकिन हो जाता है स्फेरिकल। तो पहला का ऑप्शन जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट बींग सेंटर इंसिडेंट साइड, नहीं सेंटर इधर हो गया है, इसका उल्टा। स्फेरिकल वेव फ्रंट हैविंग सेंटर अदर साइड, यस। तो पहला का हो जाएगा आर। तो पहला का आर जो है एक ही ऑप्शन है ही थ्री में, शुरुआत से देख लीजिए, यहीं से हम लोग मार सकते हैं, ऑप्शन ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है। अभी मिलाना भी चाहते हैं तो देख लीजिए, दूसरा भी ऑप्शन देख सकते हैं। प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म प्लेस्ड इन एयर इंसिडेंट साइड। प्लेनर जो वेव फ्रंट प्रिज्म पर यदि इंसिडेंट कराते हैं तो वो जो है प्लेनर ही रहता है, कन्वर्ज नहीं करता, वो प्लेन ही रहता है। इसलिए बी का जो हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा पी, पी नंबर देख लीजिए, रिफ्लेक्शन प्लेनर ही वेव फ्रंट रहेगा। आंसर हो जाएगा इसका सिक्स नंबर का आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थ्री। नेक्स्ट है सेवन नंबर, टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटीज आई एंड नाइन आई इंटरफेयर टू प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन, फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज पाई बाई टू। देखिए इंटेंसिटी रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आई वन प्लस आई टू, आई वन आई टू कॉस फेज डिफरेंस। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है यही होता है। तो एक आई वन, आई वन जो है आई है रिजल्टेंट हो गया ये, और आई टू जो है नाइन आई है, ये 90 डिग्री है ये। तो 90 डिग्री पर फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव 90 डिग्री यानी पाई बाई टू, पाई बाई टू कर दीजिएगा तो रिजल्टेंट हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, टेन आई हो जाएगा रिजल्टेंट, टेन आई हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ए पर है, बी पर है पाई। अब देखिए यदि डेल्टा फाई का वैल्यू पाई कर दिया जाए तो अब जो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो कॉस पाई का वैल्यू होता है माइनस वन, तो आई हो जाएगा ए भी आई हो नाइन आई, टू रूट अंडर आई गुने में नाइन आई, और कॉस 180 डिग्री यानी कि पाई टेन आई माइनस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा सिक्स आई, ये हो जाएगा थ्री बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा सिक्स आई, आई स्क्वायर का आई ये हो जाएगा फोर आई। तो डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस निकालेंगे तो पहला हो गया ए पर टेन आई, अब बी पर हो जाएगा फोर आई, तो डिफरेंस हो जाएगा सिक्स आई। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है एट नंबर, डिफ्रैक्शन इज ऑब्टेन बाय यूजिंग ए बीम ऑफ रेड लाइट। डिफ्रैक्शन जो है पैटर्न जो बन रहा है स्क्रीन पर वो रेड लाइट का यूज कर रहा है। जब रेड लाइट के व्हाट विल हैपन्स इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द ब्लू लाइट। जब रेड लाइट से ब्लू लाइट यदि हम रिप्लेस कर देते हैं तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम जाता है रेड लाइट से। वेवलेंथ कमने का मतलब हुआ कि फ्रिंग विड्थ जो है कम जाएगा, तो फ्रिंग बैंड्स क्या हो जाएगा, नैरोवर हो जाएगा और नजदीक नजदीक हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा पहला, बैंड्स विल नैरोवर एंड क्राउड फुल टुगेदर, क्राउड हो जाएगा, है कि नहीं, इसलिए हम लोग इसको आंसर देंगे फर्स्ट। नेक्स्ट है नाइन नंबर, नाइन नंबर कहता है कि इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ जो दिया हुआ है थीटा,
0.15 डिग्री। वेवलेंथ दिया हुआ है 5896 एंगस्ट्रम, वेवलेंथ दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज 5%, एंगुलर विड्थ जो है 5% बढ़ाने के लिए वेवलेंथ में कितना चेंज करेंगे? तो देखिए, एंगुलर विड्थ जो होता है लैम्डा बाय डी होता है, यानी कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा को हो गया। तो डेल्टा थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। कितना परसेंट बढ़ गया है ये? 5%। तो पहले कितना था? इतना था ना। तो 0.15 का 5% 5/100, इतना बढ़ गया। और था कितना? 0.15 डेल्टा लैम्डा। आइए, था कितना? ये इतना एंगस्ट्रम, 5896 एंगस्ट्रम। ये तो कैंसिल हो गया, इसलिए डेल्टा लैम्डा निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 294.8 एंगस्ट्रम। इतना इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये तो भाई थीटा बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा ही, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां पर, इसलिए वेवलेंथ इतना क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 10 नंबर, अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई दिया हुआ है। इंटेंसिटी या आई नॉट मान लेते हैं इसको, 96 वाट पर मीटर स्क्वायर। पासेस थ्रू थ्री पोलराइजर से पास करता है। तो देखिए, तो एक पोलराइजर से जब पास करेगा तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, थीटा दोनों के बीच का एंगल होता है। अब ई पास करता है दूसरा से, अब ये इंटेंसिटी पास करता है दूसरा से, तो नेट कितना हो जाएगा? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा वन आई इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा टू, इतना हो जाएगा ये। अब यहां देखना है कि थीटा वन और थीटा टू कितना कितना है। तो आई नॉट दिया हुआ है 96, कॉस स्क्वायर ये 60 डिग्री है, तो लिख दिया है यहां पर ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पोलराइजर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द लास्ट पोलराइजर टू क्रॉस विथ ईच अदर ईच द फर्स्ट, फिर उसके साथ कितना होगा? तो देखिए, ये 60 डिग्री है, उसके साथ क्रॉस बनाएगा तो 90 डिग्री, 90 में से 60 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 1/4, और 30 डिग्री का होता है √3/2, तो हो जाएगा 3/4। ये जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, देख लीजिए कितना रहा, 96 √3/2 है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, 1/2 होता है तो 1/4 कर दीजिएगा, और ये जो है पहला में जो एंट्री किया होगा तो अनपोलराइज ना होगा वो, तो अनपोलराइज का है तो इसका वैल्यू जो है 2 हो जाएगा, ये आधा कितना जाएगा? 96/2 इंटू में 1/16 × 3, ये हो जाएगा 3 से कैंसिल, तो हो जाएगा 9 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर का जो है क्वेश्चन जो है आंसर हो जाएगा कितना? 9 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे ये जो है 96/2 कैसे किए हैं? तो याद रखिएगा कि अनपोलराइज लाइट को यदि हम लोग इंटर कराते हैं तो उसका इंटेंसिटी जो है आधा हो जाता है, पोलराइज में पहले कन्वर्ट करते हैं तो इंटेंसिटी जो है आधा हो जाता है। तो 96 था तो पहले आधा कर दिया, उसको फिर पोलराइजर में डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 10 के बाद, इलेवन,
इफ ए ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू दिया हुआ है 1.5 और टी दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁵ मीटर इज इंजर्टेड इन द फ्रंट ऑफ द वन ऑफ द स्लिट्स, एक स्लिट पर डाल दिया गया है, ठीक है। हाउ मच विल बी शिफ्ट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, कितना शिफ्ट करता है, तो शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बाई शिफ्ट का जो फॉर्मूला जो होगा है कि नहीं, शिफ्ट का डी बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी, सब दिया हुआ है इसका फॉर्मूला, इसमें मैंने कैपिटल डी दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ये सब डाल दीजिएगा, डेटा सब दिया हुआ है, ये कॉमन है क्वेश्चन, इतना आंसर आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा इसका टू। नेक्स्ट है ट्वेल्व नंबर, ट्वेल्व नंबर, टू कॉपर बॉल्स इज हैविंग वेट 40 ग्राम। देखिए दो कॉपर बॉल है, एक कॉपर का ये है और एक कॉपर का ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आर, 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर देना इसको, यानी कि 0.1 मीटर, ये 40 ग्राम का है, ये भी 40 ग्राम। इफ वन इलेक्ट्रॉन एवरी 10⁴ एटम्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉल, पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि 40 ग्राम कॉपर में कितना एटम है, और जब एटम जब निकल जाएगा तब क्या करेंगे, जब एटम निकल जाएगा तो देखेंगे कि 10⁴ एटम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो फिर चार्ज निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा तो फिर फोर्स निकल जाएगा। सबसे पहले करेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तो हो जाएगा 40/63.5। नंबर ऑफ एटम क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, 40/63.5 गुने एवोगाड्रो नंबर, गुने एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, तो देखिए इतना एटम से कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो 10⁴ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा 40/63.5 गुने एवोगाड्रो नंबर बाई 10⁴, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। चार्ज कितना आएगा, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एनी, तो हो जाएगा क्यू बराबर एन, एन यही हो गया 40/63.5 एवोगाड्रो नंबर 023 × 10⁰³ बाई 10⁴ और ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये चार्ज हो गया। और जब चार्ज निकल जाएगा तो दोनों के बीच फोर्स निकालना है, क्योंकि इस पर जितना प्लस होगा उतना ही इस पर क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके उसमें भेज रहे हैं, जितना इस पर माइनस होगा प्लस होगा चार्ज उतना ही उस पर माइनस होगा, तो फोर्स का, तो दोनों के बीच का फोर्स फॉर्मूला हो गया 9 × 10⁹। चार्ज जो देखेंगे क्यू गुने में क्यू, क्यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहां से, ये वाला क्यू का वैल्यू रख दीजिएगा, आर का वैल्यू रख दीजिएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा 3.3 × 10⁰³ न्यूटन, यानी इसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा टू, आंसर जो है टू हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए थोड़ा आप लोग भी, नेक्स्ट है 13 नंबर, टू कंसेंट्रिक रिंग है, दो कंसेंट्रिक रिंग है,
वन ऑफ रेडियस आर एंड, देखिए रिंग तो बना हुआ है इसमें, फिगर हम ऐसे बना दे रहे हैं, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, एक का रेडियस है आर, दूसरा का रेडियस है टू आर। आर पर जो चार्ज है प्लस क्यू, और जो टू आर है, टू आर नहीं है फोर आर है, सॉरी फोर आर है, फोर आर पर है माइनस एट क्यू। तो कहता है कि कहां पर इंटेंसिटी जीरो होगा, जेड एक्सिस यही है, कहां पर जीरो होगा। द कॉमन सेंटर ऑफ द रिंग लाइज एट द ओरिजिन एंड द कॉमन एक्सिस कॉइंसाइड विद द जेड एक्सिस, द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ रिंग्स, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन जेड एक्सिस जीरो, कहां पर होगा। देखिए इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे कि एक रिंग के कारण x दूरी पर रेडियस यदि r है तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है KQ x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 होता है। तो हम दोनों का कारण निकाल लेते हैं, क्योंकि प्लस के कारण इंटेंसिटी इधर होगा और माइनस के कारण इंटेंसिटी इधर होगा, और नेट यहां पर जीरो है तो दोनों बराबर होगा। तो नेट इंटेंसिटी जीरो एक्स दूरी पर, तो इवन बराबर क्या हो गया E2। तो देखिए K इंटू में क्यू, इवन निकाल रहे हैं, इंटू में एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 बराबर, ये हो जाएगा K इंटू में कितना है 8Q, वही डिस्टेंस यही है, आर के जगह हो जाएगा 4R और प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर हो जाएगा 3/2। देखिए इसमें बहुत सारे कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लोग गुना कर दीजिए इस तरह से, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 बराबर 16 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2/8 हो जाएगा। अब इसको दोनों साइड जो है इसको कैलकुलेट करिए, हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या रखे कि दोनों साइड इक्वल हो सकता है। 3/2 है यहां पर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड पावर हटा दे रहा है, तो 8 पर पावर 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई 2 पर पावर 3 हो गया, तो 3 कैंसिल, तो इसका वैल्यू हो गया 4, गुना कर दिए तो 4R स्क्वायर प्लस 4X स्क्वायर, इसको इधर करते हैं और इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा 3X स्क्वायर बराबर 12R स्क्वायर, तो X स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4R स्क्वायर, तो X बराबर हो गया 2R, इसलिए आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है, बस इंटेंसिटी यहां दोनों के बराबर करना था मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो अपोजिट तो है ही, क्योंकि एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरा पर नेगेटिव चार्ज है। पोटी नंबर देखिएगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, गॉसियन क्यूब साइड 1 मीटर, साइड है 1 मीटर क्यूब का,
एट ओरिजिन सच दैट थ्री साइड्स रिप्रेजेंट एक्स वाई और जेड एक्सिस। तीन साइड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, माने क्यू है ये। ये ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। तो निकालने के लिए कहता क्या है, कितना नंबर है, 14 नंबर है। ठीक, द नेट चार्ज इनक्लोज विद इन द, नेट चार्ज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। टोटल फ्लक्स इन साइड, टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है, टोटल फ्लक्स बराबर चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट यूज करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम लोग करना पड़ेगा नेट फ्लक्स। देखिए नेट फ्लक्स की, देखिए एक्स में तो वेरी नहीं कर रहा है, यहां भी एक्स कंपोनेंट वही होगा जो यहां होगा। एक्स कंपोनेंट माने यहां पर इंटेंसिटी वही होगा जो यहां इंटेंसिटी होगा। तो एक्स के कारण टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स के कारण तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। टोटल फ्लक्स किसके कारण होगा, y कंपोनेंट के कारण। तो y कंपोनेंट क्योंकि वेरीज कर रहा है यहां पर के लिए, यहां पर तो y बराबर जीरो पर, y बराबर जीरो पर यहां पर फ्लक्स जो पास करेगा y में, ये कितना हो जाएगा, y बराबर जीरो कर देंगे तो यहां कितना हो जाएगा, सिक्स। और यहां के लिए y बराबर वन होगा क्योंकि ये डिस्टेंस साइड इसका वन मीटर है, तो वन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा एट, माने इंटेंसिटी वाई में। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो ई हो जाएगा एट अगुने में इसका एरिया, एरिया हो जाएगा वन के स्क्वायर माइनस ई, तो माइनस हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा टू। टोटल फ्लक्स जो है टू आ गया यहां पर। और जानते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो चार्ज इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट, टू इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बराबर टू एप्सिलॉन नॉट इन टू में इतना कुलम जो है, कुलम हो जाएगा, सी का मतलब कुलम है, इतना कुलम जो है चार्ज आ जाएगा, टू एप्सिलॉन नॉट कुलम चार्ज आएगा, है ना। नेक्स्ट है तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट कैसे समझे देख लीजिए, क्योंकि यूनिफॉर्म है एक्स में, एक्स में यूनिफॉर्म में रहता है तो एक्स के कारण टोटल फ्लक्स जीरो हो गया, और वाई में वेरीज कर रहा है तो वाई के कारण टोटल फ्लक्स हो जाएगा, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्टीन नंबर, स्पेरिकल पोर्शन हैज बीन रिमूव फ्रॉम द सोलिड स्फीयर हैविंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफॉर्मली। देखिए चार्ज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर तक चार्ज है इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहां से निकाल दिया गया है, यहां से कट के निकाल दिया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द इम्पर्टीज स्पेस, जो खाली स्पेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होगा। तो देखिये तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, इसका अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कांस्टेंट होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है, नॉट जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, कांस्टेंट हो जाता है अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा टू करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ ए प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन द सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इधर प्रोटोन रख दिया गया है और इधर इलेक्ट्रॉन रख दिया गया है, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन, दे एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, एकदम सही होगा, क्योंकि फोर्स तो सेम लगेगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन मास अलग अलग है, हालांकि डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन का अलग अलग ही होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास,
इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज इंडिपेंडेंट. इलेक्ट्रिक फोर्स मास पर डिपेंड करता कहाँ है, क्योंकि वो क्यूब इनटू में ही होता है, इसलिए दूसरा भी सही है. तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू जो है करेक्ट है, ठीक है, दोनों सही है इसके, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है 17 नंबर. देर आर थ्री कंसेंट्रिक थीन स्फीयर ऑफ रेडियस, तीन स्फीयर है, 17 तीन कंसेंट्रिक स्फीयर है, सबसे ज्यादा रेडियस है ए का है, माने इस ई हो गया ए और बी और सी, माने ए का रेडियस सबसे ज्यादा है, बी का है और इधर फिर सी का है. टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेसेस ए पर है सिग्मा और बी पर है माइनस सिग्मा और सी पर है 2 सिग्मा, ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, आर कहां है, आर जो है बी से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, मैंने यहां पर निकालने के लिए कहता है, यहां पर इंटेंसिटी ये दोनों के बीच में निकालना है. तो देखिए इंटेंसिटी जब निकालने के लिए रहेगा तो हम लोग को तो फॉर्मूला पता ही है, लेकिन चार्ज के टर्म में आप लोग याद रखते हैं, लेकिन सिग्मा के टर्म में भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसके कारण जो आउटर के कारण जो इंटेंसिटी जो होगा जीरो होगा, लेकिन ये दोनों के कारण इंटेंसिटी यहां निकल जाएगा इस पॉइंट बी पर, और दोनों में जो डिस्टेंस जो है आर ही लेना होगा, दोनों में डिस्टेंस आर ही लेना होगा. तो हमको निकालते हैं सिग्मा के टर्म में, देख लीजिए चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, आर दूरी पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0Q/r2, 1/4πε0Q. यदि सिग्मा को कन्वर्ट करना चाहते हैं क्यू के टर्म में, चाहे क्यू को सिग्मा के टर्म में, तो क्यू बराबर होता है सिग्मा इंटू में एरिया, सिग्मा इंटू में सरफेस एरिया होल स्फीयर का या स्फीयर का, सिग्मा गुने में 4πr2 बाई आर स्क्वायर. देखिए 4π कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट r² / r² / a² हो गया, ठीक है. तो चलिए देखिए इंटेंसिटी निकालते हैं यहां पर, तो इसके कारण माइनस के कारण इंटेंसिटी जो होगा इधर होगा और प्लस के कारण इंटेंसिटी आगे होगा, तो इसमें से इंटेंसिटी इसमें लगा करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो नेट इंटेंसिटी निकालना होगा. तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अंदर वाला के कारण, तो अंदर वाला है 2 सिग्मा और रेडियस कितना है अंदर वाला का, अंदर वाला का है सी, और डिस्टेंस कितना है तो r² ही है, माइनस इसके कारण निकालना है मिडिल वाला के कारण, तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रेडियस कितना है बी, बाई डिस्टेंस कितना है ये स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर है ये, और ये डिस्टेंस कितना है, यहां से डिस्टेंस है आर है, ये भी आर स्क्वायर ही है. इसी को सॉल्व करना है, कॉमन ले लेते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 2c² - b² यही आंसर आया आपका, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3. ओके नेक्स्ट है 18 नंबर. इसको याद रखना है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होलो स्फीयर सोलिड स्फीयर के कारण जो हम लोग याद करते हैं चार्ज के टर्म में, नहीं उस सिग्मा के टर्म में भी कन्वर्ट करने के लिए तैयार रहिएगा, या तो रखिए या न रखिए, लेकिन कन्वर्ट कैसे करते हैं वो जरूर कंसेप्ट होना चाहिए, नहीं है तो फिर हम देखिए बता चुके हैं, उसको भी याद रखिएगा. नेक्स्ट है 18 नंबर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन, पोटेंशियल दिया हुआ है,
पोटेंशियल दिया हुआ है 12x 10xy स्क्वायर माइनस 16y प्लस 8yz माइनस 6z स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है 5 कूलम परख दिया गया ओरिजिन पर। ओरिजिन पर तो पहले ओरिजिन पर हमें इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा ना। 5 कूलम 5 कूलम चार्ज को ओरिजिन पर रख दिया गया है तो सबसे पहले ओरिजिन पर इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा और इंटेंसिटी नेट जब निकल जाएगा तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू में ई कर देंगे। इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी के लिए पोटेंशियल दिया हुआ है तो इंटेंसिटी जब एक्स में निकालते हैं तो माइनस डीवी बाई डीएक्स करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में बाकी सब कॉन्स्टेंट कर देते हैं। तो माइनस इसको डिफरेंशिएट कर दो तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 12, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10y स्क्वायर और ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, ये भी कॉन्स्टेंट है, वाई जेड कॉन्स्टेंट है और जेड भी कॉन्स्टेंट है। और ओरिजिन पर निकालना है, ओरिजिन पर निकालना है तो ये है y का वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 12, माने इंटेंसिटी निकल गया कहां पर, x बराबर y बराबर जीरो पर और z भी जीरो है यहां क्योंकि e का x निकला है। फिर e का y निकालेंगे, e का y के लिए क्या लिखेंगे, माइनस डीवी बाई डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स और जेड को कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा, एक्स को कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, माइनस को बाहर कर देते हैं जीरो हो गया, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया तो माइनस 10x इनटू में वाई का 2y और वाई का हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा प्लस 8z और ये जीरो। अब ये जीरो ये वाला पुट कर देना है यहाँ क्योंकि ओरिजिन पर निकालना है, इसको रख देते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, ये जीरो ये भी जीरो तो माइनस 16 तो कितना हो जाएगा प्लस। फिर उसी तरीका से जेड निकालेंगे, माइनस डीवी बाई डी जेड निकल जाएगा ना, माइनस डीवी बाई डी जेड निकल जाएगा, माइनस जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो, ए भी जीरो कॉन्स्टेंट है ए भी जीरो, प्लस 8y और ए भी जीरो सॉरी ये हो जाएगा 12z और एक्स जीरो जीरो पुट कर देंगे ओरिजिन के लिए तो ए भी जीरो हो जाएगा ए भी जीरो हो जाएगा जेड जीरो हो जाएगा। तो टोटल इंटेंसिटी हो जाएगा कितना, टोटल इंटेंसिटी जो होगा यहाँ पर ई का एक्स निकल गया ई का वाई निकल गया तो कितना नंबर है यहाँ देख लेते हैं, ये 80 नंबर है तो एक्स और जेड निकल गया ना तो टोटल इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा तो टोटल इंटेंसिटी आ गया रूट अंडर 12k² प्लस 16k² कितना आता है, 12k² प्लस 16k² हो जाएगा 144 और 256 ये 400 हो जाएगा ना कि 20 न्यूटन पर कूलम। नेट इंटेंसिटी तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा कीवी, ये 5 और ये हो जाएगा 20 100 न्यूटन 100 न्यूटन फोर्स आ गया। ऑप्शन है इसका 100 न्यूटन है कि नहीं है, हाँ है, 4 नंबर हो गया आंसर, आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है 18 के बाद 90 नंबर मिटा देते हैं इसको। कैपेसिटर है ये, ये कैपेसिटर है, ये C1 है, इधर C2 है, यहां A है और इधर B है और इस पॉइंट को D है, यहां का पोटेंशियल है V1 और यहां का पोटेंशियल है V2। पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या कि दोनों पर तो चार्ज सेम रहेगा, मान लो कि ये V1 बड़ा है V2 से तो इस पर हो गया प्लस क्यू तो इस पर हो गया माइनस क्यू, प्लस क्यू तो माइनस क्यू, चार्ज को सेम कर देना है Q1 बराबर Q2 Q1 बराबर Q2 कर दीजिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस
v1 - vd / c1 q बराबर c भी बराबर हो जाएगा vd - v2 * c2। चार्ज दोनों का सेम कर दिए है क्योंकि दोनों एक ही लाइन में है, जब भी चार्ज चार्ज जाएगा तो सेम रहेगा। यहां से हो जाएगा c1 v1 - c1 vd = c2 vd - c2 v2। इसको इधर कर देते हैं तो vd निकल जाएगा c1 v1 + c2 v2 अब भाई c1 + c2। ऐसे भी कॉमन पोटेंशियल भी यही आया और कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला यही होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 2 ऑप्शन करेक्ट है। 29 है मैग्नेटाइज्ड वायर ऑफ, एक वायर है मैग्नेटाइज है, मतलब एक तरह का वायर है, ये मैग्नेटिक मैग्नेटाइज कर दिया गया है, मतलब ये मैग्नेट बना हुआ है, ये मैंने एक वायर है जो मैग्नेट बना हुआ है, ठीक है ना, एक वायर है जो मैग्नेट बना हुआ है, तो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो मान ले कि इसका लंबाई l है और यह है पॉजिटिव और यह निगेटिव, तो m बराबर होगा m गुने में 12 के जगह पर तो एल ही हो गया। अब इसको मोड़ करके इस तरह से बना दिया गया है, इस तरह से बना दिया गया है और ये एंगल जो है 120 डिग्री है, ये एंगल जो है 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री है हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस पहले निकालना पड़ेगा, तो देखिए एल बराबर जो हो जाएगा आर इंटू थीटा और थीटा की जगह हो जाएगा 2π/3, 120 डिग्री है 2π/3, तो यहां से रेडियस निकल गया 3l/2π, रेडियस निकल गया और रेडियस निकल जाएगा तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा और ये डिस्टेंस निकल जाएगा तो ये भी डिस्टेंस हमको निकल जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहां से निकाल लेंगे, यहां पर लगा दीजिए साइन 60 डिग्री = y/r, इसलिए y बराबर हो गया r साइन 60 डिग्री, तो r की जगह हो जाएगा 3l/2π, i हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 3√3l/4π। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, इसका हम लोग फिर इधर से न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m' कितना होगा, तो m' हो जाएगा 2y m * 2y, 2y करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3l/2π और m इंटू में l है उसको m कहेंगे, तो 3√3m/2π, इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट होगा। पहले क्या किए कि रेडियस निकाल लिए, क्योंकि आर्क जैसी बना तो रेडियस निकाल लिया, रेडियस निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि इसका लंबाई जो होगा एल ही होगा आर इंटू थीटा से, या यहां से आर निकाल लिया रेडियस निकाल लिया। नेक्स्ट है ये, सॉरी 29 नहीं है, ये है 20 है, 20 है, 29 नहीं है, 20 है, ध्यान दीजिएगा। ये बार मैग्नेट है, कोरिसिविटी दिया हुआ है, एच का वैल्यू 6 × 10³ एम्पियर पर मीटर, इट इज डिजायर टू मैग्नेटाइज बाय इट इंजर्टिंग इट द इनसाइड सोलेनोइड 8 cm लॉन्ग एंड हैविंग 40 टर्न्स, 40 टर्न्स है और 8 cm लंबा है,
द करेंट दैट शुड बी सेंट, तो करेंट कितना चाहिए, तो उसको न्यूट्रलाइज के लिए इसका बी जो होता है फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई सोलेनोइड के लिए, और बी बाई म्यू नॉट बराबर एन आई, और ये जो है एच है एन आई हो जाएगा। एन का वैल्यू जो होगा देख लेते हैं, एन बराबर हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न बाई लेंथ इंटू करेंट। तो एच का वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10³, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है 40 है, और लंबाई है 8 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये करंट आई है, तो करंट हो जाएगा ये 5 से कैंसिल, तो आई हो जाएगा 6 × 10³ × 10⁻²/5 यानी 60/5 एम्पियर, यानी कि 12 एम्पियर आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर जो हो जाएगा 3। नेक्स्ट है बी दिया हुआ है, इतना है ना, बी तो सोलेनोइड के बारे में पता ही है, और यही बी बाई बी नोट को हम लोग एच कहते हैं। नेक्स्ट है 22, इन चार्जिंग द स्टेट ऑफ ए गैस एडियाबेटिकली फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी, ए से कहां चला गया है, ए से बी गया है गैस, माने ए से बी गया है गैस और एडियाबेटिकली गया है, एडियाबेटिकली में हीट ट्रांसफर तो जीरो होता है, तो डेल्टा क्यू बराबर हो गया डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, तो द अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 32.2 जूल इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम मतलब वर्क निगेटिव, ये जीरो हो गया और ये माइनस 32.6 जूल, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया, निकल गया कितना 32.6 जूल, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल गया ए से बी जाने में। द गैस को फिर दूसरे ए से बी लिया गया है, लेकिन दूसरा प्रोसेस, ए से फिर बी गया है लेकिन प्रोसेस अलग है, तो इसमें हीट पूछता है, तो हीट जो होगा फिर वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहां बाय द सिस्टम है वर्क कितना दिया हुआ है 14.25, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो वही होगा, क्यों इसको सॉल्व करिएगा तो 27 पॉइंट गैस इज सेकेंड फ्रॉम स्टेट ए टू बी, आई ए प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्जॉर्ब, और हीट एब्जॉर्ब दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, हीट एब्जॉर्ब दिया हुआ है वाला 14.25 कैलोरी हीट ऑब्जर्व किया गया है, ये कैलोरी में है यह, और ये जूल में है, तो कहता है कि हाउ मच वर्क डन बाय द सिस्टम, डब्ल्यू पूछता है, 32.6 जूल है ये, कैलोरी में है और ये जूल में है, यहां पर सोचना होगा 14.25 गुने में 4.2 से गुना कर देंगे इतना जूल, W प्लस 32.6 जूल, इसलिए वर्क निकालिएगा तो 14.25 गुने में 4.2 माइनस 32.6 जूल, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करने के बाद ही ये आपका आंसर आ जाएगा, आ जाना चाहिए। तो इस केस में हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लिया, फिर उसी गैस को फिर ए से बी ले जाया गया अदर प्रोसेस के थ्रू, तो डेल्टा क्यू बराबर ये हीट इतना दिया गया है, ऑब्जर्व किया गया है, तो ये हो गया प्लस, एक कैलोरी में है, तो इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट कर दिए हैं, और जूल में कन्वर्ट करके चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोई प्रोसेस है वो तो प्रोसेस से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए ए और बी के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी यूज कर लीजिएगा, यहां से वर्क निकल गया। नेक्स्ट है 22 के बाद 23,
23 ब्लैकस्मिथ फिक्स्ड आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ ए ब्लॉक कार. कहता है कि एक लकड़ी का कार्ट है, इस तरह से व्हील है, वुडन व्हील है, और इसके ऊपर लोहा का रिंग लगाना है सेट करने के लिए. डायमीटर ऑफ द रिंग एंड द आयरन रिंग, एक आयरन रिंग है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर वुड का 7.436 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ये, जबकि ये रिंग है आयरन वाला है ये, इसका डायमीटर दिया हुआ है आयरन का 7.412 मीटर. अब बताइए इसको इसमें सेट करेंगे तो सेट होगा नहीं. कारण है कि इसका डायमीटर थोड़ा छोटा है और इसका ये ज्यादा है. तब क्या करेंगे कि इसको गर्म करेंगे, गर्म करने से डायमीटर बढ़ेगा तो इस पर जाकर सेट कर देंगे इसको. तो डायमीटर फाइनल डायमीटर कितना होना चाहिए, इतना कम से कम ये 30 डिग्री पर है, इस दोनों कितना पर है 30 डिग्री पर है. व्हाट टेम्परेचर शुड बी द रिंग बी हीटेड सो दैट फिट ऑन द रिम, अल्फा दिया हुआ है आयरन का. तो भाई इसका इसका डायमीटर इतना बराबर हो जाएगा, ये तो फिट हो ही जाएगा इसमें. इसलिए डायमीटर के लिए फॉर्मूला होता है D2 बराबर D1 इंटू 1 प्लस अल्फा. ये तो लीनियर एक्सपेंशन हो गया, यहां D2 कौन हो जाएगा, ये वाला, और D1 हो जाएगा ये वाला 1 प्लस अल्फा दिया हुआ है 1.2 10 टू दी पावर माइनस टेम्परेचर डिफरेंस. फाइनल टी और इनिशियल है 30 डिग्री. यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से टी निकालिएगा तो आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस. इसलिए आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट. नेक्स्ट है ट्वेंटी फोर. एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 40 लीटर है. एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम है 40 लीटर, वॉल्यूम है 40 लीटर, और प्रेशर दिया हुआ है एक्सेस प्रेशर उसका 20 एटीएम. टेम्परेचर भी दिया हुआ है 47 डिग्री सेल्सियस. तो ये हो जाएगा 47 प्लस 273 केल्विन. इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 10 हो गया, 11 और 1 12 2 1 3 320 केल्विन. आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, इसमें से कुछ ऑक्सीजन को निकाल लिया गया है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल अलग होगा, नंबर ऑफ मोल P1 V1 बाई RT1. अब कुछ गैस निकालिएगा तो नंबर ऑफ मोल कम जाएगा. आफ्टर सम ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर गॉस प्रेशर 15, प्रेशर जो है 15 एटीएम हो गया. वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि सिलेंडर वही है, लेकिन प्रेशर बदल गया 15 एटीएम हो गया, और टेम्परेचर भी हो गया 27 डिग्री सेल्सियस हमें 300 केल्विन. एस्टिमेट द मास ऑफ द ऑक्सीजन आउट फ्रॉम द सिलेंडर, मास पूछता है ऑक्सीजन का, कितना मास निकल गया होगा बाहर. तो हम देखते हैं कितना मोल निकल गया होगा, तो जब मोल निकल जाएगा तो मास तो पता चल ही जाएगा, तो बाद में नंबर और मोल निकाल लेंगे. यहां से P2V2 बाई RT2, तो नंबर ऑफ मोल आउट कितना बाहर जाएगा, N1 माइनस N2. ये दोनों तो बराबर होगा, V1 बराबर V2, इसको VA मान लो, यही VA है, तो ये हो जाएगा कितना, P
वी बाई आर बाहर आ जाएगा, तो पी वन बाई टी वन माइनस पी टू बाई टी टू। सॉल्व कर लेंगे इसको, नंबर और मोल निकल गया, अतः मास निकालना है तो क्या लिखेंगे, मोल गुने में मॉलिकुलर मास। सॉल्व कर लीजिएगा और जितना आ जाएगा वो जीरो पॉइंट, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 0.195 केजी, अरे आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 25, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन वाई बराबर 4 sin 3 ओमेगा टी है। देखिए ये जो ग्राफ जो होता है पावर 3 है तो ऐसे चल तो होगा नहीं, लेकिन ये पीरियोडिक होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे, एसएचएम के लिए पावर नहीं रहना चाहिए था, तो नॉन पीरियोडिक भी नहीं है, हाई तो पीरियोडिक, बार बार अपना वैल्यू जो है चेंज करेगा ही एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर, इसलिए आंसर जो होगा पीरियोडिक होगा बट नॉट एसएचएम, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 26, साउंड वेव और वेवलेंथ लैम्डा ट्रेवलिंग इन एयर विथ स्पीड, वेवलेंथ लैम्डा है तो स्पीड भी है, और जब स्पीड भी बाई 2 हो जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगा, तो याद रखिएगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसी इंटर करेगा तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि v बराबर होता है f लैम्डा, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v का हो गया, तो v बाई 2 करेंगे तो v कितना हो गया लैम्डा बाई 2, आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक है, नेक्स्ट है 27, देखिए एक वेव है प्रोग्रेसिव वेव, इसका इक्वेशन दिया हुआ है 0.8 sin 2π t - π/4 x by 4 है, x/4 है, ऑन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम एम्पलीट्यूड बदल गया, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट किया तो उसका एम्पलीट्यूड बदल गया, कितना हो गया 3/4 ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्टेड वाला का हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्टेड वेव के लिए वाई आर एम्पलीट्यूड बदल गया 3/4 और जब रिफ्लेक्ट करेगा तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो डायरेक्शन जब अपोजिट हो जाएगा तो एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन फेज भी पाई से बदल जाएगा, ये भी है एक्स का कोफिशियंट भी पॉजिटिव होगा और फेज भी पाई से बदल जाएगा, फेज को पाई से जरिए बदल दीजिए ना, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, अब फेज कितना से बदल जाएगा पाई से, देख लीजिए पाई से बदल जाएगा, तो साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0.6 sin 2π t + π/4। आंसर कौन हो जाएगा 2। यदि फेज रिफ्लेक्ट माने वेव रिफ्लेक्ट करता है तो रिफ्लेक्टेड वेव का फेज जो है पाई से चेंज कर जाता है, तो फेज ही पाई से चेंज कीजिए, डायरेक्शन उल्टा कर दिए तो एक्स का कोफिशियंट को प्लस कर दिए, एक्स का कोफिशियंट यदि माइनस रहेगा तो प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस, रिफ्लेक्शन कर दिया। नेक्स्ट है 28 नंबर, देखिएगा लेफ्ट है,
देखिए 28 नंबर है, ए मीटर लॉन्ग, ए मीटर लॉन्ग ट्यूब ओपन एट एंड, एक मीटर लंबा ट्यूब है विथ मोबिबल पुस्टन एट द अदर एंड, सो रिजोनेंस विथ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सोर्स, इसका फ्रीक्वेंसी है 300 कितना 30 हर्ज है, व्हेन द ट्यूब लेंथ इज, ट्यूब का लंबाई दिया हुआ है 26.6 सेंटीमीटर और 79. ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों का 79.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है ना, तो दोनों पर ही है। एस्टिमेट द स्पीड ऑफ द साउंड, टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एज इफेक्ट में भी नेग्लिजेबल, एज इफेक्ट नेग्लिजेबल है। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि लैम्डा बाई 4 बराबर एल, लैम्डा निकाल लेते हैं 4 एल, एल कितना दिया हुआ है 4 इंटू में एल करेंगे, 4 इंटू एल करेंगे, एल का वैल्यू कितना है 26.6 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना आ जाएगा 0.266 मीटर हो गया, क्योंकि रिजोनेंस में है तो पहला रिजोनेंस होगा कितना है, माने लैम्डा बाई 4 इजिकल टू ले, इसलिए कि एक इंड ओपन रहेगा एक इंड क्लोज रहेगा, तो क्लोज इंड पर क्लोज इंड जहां होगा वहां जो बनेगा नोड बनता है और ओपन इंड पर एंटी नोड, और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है लैम्डा बाई 4 होता है, तो लैम्डा बाई 4 बराबर एल कर दिए, लैम्डा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद तो आ ही जाएगा कुछ वैल्यू, इसका निकालने के लिए क्या कहता है तभी बराबर होता है एफ इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 330, 4 इंटू में 0.226 मीटर पर सेकेंड, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 351 मीटर पर सेकेंड, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट, पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है लिस्ट है 29, देखिए 29 है, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.6 मीटर, देखिए कॉपर वायर है 3.6 मीटर है, स्टील वायर है 2.4 मीटर, बोथ ऑफ द डायमीटर, दोनों का डायमीटर सेम है यानी एरिया सेम है, आर कनेक्टेड इन टू एंड द एक्सप्रेस्ड बाय द लोड, द नेट इलोंगेशन दिया हुआ है, नेट इलोंगेशन द लोड अप्लाइड, लोड पूछता है कि लोड कितना होगा, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला पहले एक वायर के लिए देख लीजिए, एक वायर का मान लें कि लोड मास एम है तो वजन कितना हो जाएगा एम जी, फोर्स हो गया एफ, यही लोड हो गया फोर्स, खींच रहे हैं इसको, लंबाई एल है तो इसका चेंज इन लेंथ हो गया, ये फॉर्मूला होता है गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बराबर इंटू में स्ट्रेन, ये हो जाएगा फोर्स बाई एरिया और चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा माने एफ इंटू में एल, यही हो गया, इतना लेंथ हो गया ये चेंज। दूसरा है लेकिन प्रॉब्लम क्या कहता है कि इनमें दो दो को बांधा हुआ है, एक ये है और एक ये है और लोड एक ही को लगा दिया गया है, तो खैर इसका जो एमजी जो लगेगा फोर्स, ये दोनों में तो वही होगा, दोनों में तो एमजी हो रहेगा, हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस रड का मास जो है नेग्लिजिबल है, तो टोटल इलोंगेशन निकालेंगे ना, इलोंगेशन फर्स्ट में प्लस इलोंगेशन सेकंड में, फर्स्ट में तो
गामा वन ए एरिया सेम है, गामा टू इंटू में एरिया। देखिए यहां सब दिया हुआ है, यहां से सॉल्व कर करके एफ निकल जाएगा और एफ निकालिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा 289 यानी आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर करेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, बस दोनों का इलोंगेशन निकाल करके सम कर दीजिए, सम दिया हुआ है तो फोर्स निकल जाएगा क्योंकि फोर्स दोनों में यही लगेगा क्योंकि इसमें इलोंगेशन वही करा रहा है, इसमें भी इलोंगेशन वही करा रहा है। नेक्स्ट है 29 के बाद है 30। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द नीडल इज इंजर्टेड इन द वेन वेयर द गज प्रेशर मान एक्सेस प्रेशर, गज प्रेशर माने डेल्टा पी दिया हुआ है 2400 पास्कल, पास्कल किसको कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। एट व्हाट हाइट द ब्लड कंटेनर बी प्लेस्ड सो दैट ब्लड में जस्ट इंटर द वेन। हाइट पूछता है तो चेंज इन प्रेशर जो होता है वो एच रो जी के बराबर होता है, ये हो जाएगा 2400 पास्कल और एच पूछता है डेंसिटी ब्लड का दिया हुआ है और डेन जी का वैल्यू 10 ले लीजिए तो एच का वैल्यू हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा इसको, सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 22.6 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, इसमें तो और कुछ है नहीं, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है इधर देते हैं इसको 31। ये कार वेट्स 2000 केजी कार है, कार का वजन जो है 2000 केजी है तो हम लोग कार बनाते हैं इसका एमजी है 2000, एमजी हो जाएगा 2000 और गुने में जी। डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड बैक व्हील, देखिए फ्रंट व्हील एक ही को दिखाई दे रहा है और हम लोग को है ना ये बीच बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.25 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल, इसके पीछे है यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये कितना डिस्टेंस पर है 1.25 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 में से 1.5 यानी 0.75, तो यहां पर नॉट एक फोर्स लगेगा एक इधर और एक फोर्स ये इधर लगेगा, ये फ्रंट पर है और ये बैक साइड पर है, दो चक्का की बात दिखा रहे हैं तो एक चक्का की बात करेगा एक व्हील पर बात करेगा तो इसका आधा कर देंगे, इसको भी एक पर करेगा तो इसका हाफ हाफ कर देंगे, दोनों हम लोग ले रहे हैं एक साइड और एमजी ऐसे लगेगा। सबसे पहले है कि नेट फोर्स तो जीरो है तो एफ वन प्लस एफ टू बराबर एमजी हो जाएगा और नेट टॉर्क जीरो है एफ वन गुने में, इसके बाद नेट टॉर्क जीरो कर देते हैं 1.25 बराबर एफ टू इंटू में 0.75, माने कि यहां से हम लोग F2 निकालेंगे F1 इंटू में 1.25 0.75 माने F1 इंटू में 125/75। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमको तो लग रहा है कि 3/5 आ रहा है, 5/3 और इसका वैल्यू इसमें डाल देते हैं, F2 का वैल्यू डाल दीजिए तो F1 प्लस F1 गुने 5/3 इज इक्वल टू एमजी
कि हो जाएगा 8f1/3 बराबर एम जी यानी 2000 × 10। एफ वन कितना आ जाएगा, यहां से एफ वन निकाल लीजिएगा और फिर एफ टू निकाल लीजिएगा तो वो निकल जाएगा, लेकिन आंसर कौन होगा, f1/2 और f2/2 होगा, आधा आधा कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये f1 जो है दो फ्रंट व्हील पर है और f2 जो है दो बैक व्हील पर है, दो पर है तो एक पर पूछता है तो उसका आधा आधा 50-50 दोनों पर लोड चल जाएगा, क्योंकि इस तरह से सेंटर ऑफ मास सेट। नेक्स्ट है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका 2 आ जाएगा, निश्चित है कि कर लीजिएगा आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है 32, नेक्स्ट है 32, टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और 33 भी एनसीईआरटी का ही है, इस तरह से 36 भी एनसीईआरटी का ही था और 37 भी एनसीईआरटी का ही है, तो कुछ एनसीईआरटी से भी रहता है, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट है, टू टाउन्स है ए और बी, ए और बी दो टाउन्स है। रेगुलर बस सर्विस विद बसेस लीव द आइदर्स डायरेक्शन एवरी 2 मिनट। बस जो है छोड़ा जा रहा है, उधरों से जा रहा है और इधरों से छोड़ा जा रहा है, 2 मिनट पर, 2 मिनट पर बस छोड़ा जा रहा है दोनों साइड से, तो दो बस के बीच की दूरी, तो मान लेते स्पीड जो है बस का भी है, बस का स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ बस भी है, तो दो बस के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, वीटी हो जाएगा, वीटी हो जाएगा। साइक्लिस्ट जो है 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है बीच में इन डायरेक्शन ए टू बी, ये साइकिल वाला है, ये साइकिल वाला ऐसे जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ए से बी, तो इसको दोनों तरफ से बस मिलता होगा, पीछे से भी मिलता होगा, उधर से भी आ रहा है, दोनों साइड से होगा, तो ये साइकिल है, ये मान लिया कि एक बस पास किया फिर इधर से पास करेगा, फिर इधर से पास करेगा तो इधर से आएगा, इधर से दोनों साइड से आएगा, ये बस ए से बी जा रहा है, गोस पास्ट हिम एवरी 30 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। कहता कि इधर से जो पास करता है 30 मिनट से पास करता है इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब इधर ही जा रहा है तो 30 मिनट में ये पास करता है, इधर से जो पास करता है वह 10 मिनट, अपोजिट डायरेक्शन में 10 मिनट है, तो टी का वैल्यू बताइए और स्पीड बताइए, टी का वैल्यू और स्पीड छोड़ दीजिए, देखिए दो बस के बीच की डिस्टेंस कितना है, वीटी है, ये भी तो डिस्टेंस तो वीटी रहेगा। अब इसको हम लोग रोक देंगे तो इसके रेस्पेक्ट में इसका स्पीड हो जाएगा v-15, और इसको यदि रोक देते हैं तो इसको रोक देते हैं तो इसका स्पीड हो जाएगा v+15, डिस्टेंस इसको रोके हुए है रिलेटिव के लिए, इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस बराबर स्पीड और गुने टाइम, टाइम है 30, और उधर से चलेंगे तो डिस्टेंस बराबर स्पीड और गुने टाइम है 10। यहां से दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये वीटी बराबर कर दीजिए, दोनों से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड v-15 × 30 और v+15 × 10, मिनट मिनट सब कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 3v-45 बराबर v+15, इसको इधर कर देते हैं और इसको 2v=60, v हो जाएगा 30 किलोमीटर बराबर, तो 30 किलोमीटर बराबर एक ही वो च्वाइस ही है, पहला टाइम भी निकाल सकते हैं, v का वैल्यू 30 रख दीजिए तो v निकल जाएगा, यहां भी t, तो t निकालिएगा तो आ जाएगा 15 मिनट, तो आंसर हो जाएगा कौन, फर्स्ट, एक ही स्पीड से निकल गया, क्योंकि एक भी कोई निकालिएगा तो ऑप्शन वैसा ही दिया हुआ था। नेक्स्ट है 33, थर्टी थ्री
33 में फिगर जो दिया हुआ है कहता है 40 केजी का था, टेंशन हो जाएगा 40 न्यूटन दोनों का केस में, 40 केजी का ब्लॉक है राइज कर रहा है, 80 केजी में टू डिफरेंट वे, दो अलग अलग रास्ता से, दो अलग अलग वेज है। पहला के केस में देखिए हाथ ये नीचे किए हुए है यहां से, तो टेंशन इधर लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा और एमजी नीचे लगेगा, ये हो जाएगा 80 जी। दूसरा के केस जो होगा ये हाथ ऊपर किए हुए आदमी हाथ ऊपर किए हुए है, तो टेंशन ऊपर लगेगा और नॉर्मल इधर लगेगा और एमजी नीचे लगेगा 80 जी। तो ए भी रेस्ट में है तो कहता है किसमें एनमन आई एन टू का वैल्यू पूछता है, टेंशन भी है कहते ना 40 केजी है ये, तो 40 जी हो गया। तो इस केस में नॉर्मल कितना होगा, 80 जी और प्लस 40 जी यानी 120 जी, एगो में 1200 न्यूटन। इस केस में कितना लगेगा इंटू, ये हो जाएगा 40 जी, इंटू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80 जी माइनस 40 जी, अने 40 जी अने 400 न्यूटन। आंसर कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा 3 करेक्ट है, ये 3 जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है 34, नंबर देखिए 34 नंबर जो है बुलेट का मास दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और वो बुलेट जो है जाकर के डोर से कोलाइड करता है, टकराता है और उसी में इम्बेडेड हो जाता है, उसी में घुस जाता है और डोर की जो चौड़ाई जो है ये वाला 1 मीटर है ना, ये जो है B/2 आने की बी हो गया विड्थ 1 मीटर, तो टकराएगा सेंटर पर आने की डिस्टेंस कितना हो जाएगा B/2, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिए इसमें, यहां से B/2 हो गया है B2/3 क्योंकि जो गेट जो है डोर जो है घूमेगा ऐसे घूमेगा एक इंड के अबाउट, इसका लंबाई ये ले लेंगे तो B2/3 ML2/3 होता है ऐसे I/2 में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 18 kg है और बी है 1 मीटर/3, यहां से ओमेगा निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, ये दोनों मिलकर ये कैंसिल तो बचेगा 6 = 6 ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा 1 rad/s, तब इसका आंसर जो है 4, आंसर जो है 4 होगा इसका, ओके। नेक्स्ट है 35, नेक्स्ट है 35, स्पेस शिप इज स्टैंड ऑन द मार्स, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी स्पेंड। देखिए ये सोलर सिस्टम से बाहर जाना है, ये सन है ये और यहां पर मार्स है, सन है और मास है और इसी पर एक स्पेसशिप है, इसको कितना एनर्जी देके बाहर चल जाए सिस्टम से ही, इसका मास दिया हुआ है सन का, मास सन का दिया हुआ है और सन का मास है 2 × 10⁻³० kg और इसका मास दिया हुआ है M' मान लेते हैं, इसका मास मार्स का मास दिया हुआ है
6.4 इंटू 10 टू दी पावर 23 के जी, और जिस बॉडी को फेंक रहे हैं इसका मास दिया हुआ है 8000 केजी, इसका भी मास दिया हुआ है। तो कहता है कि कितना हम दे कि ये चला जाए। तो सबसे पहले जो घूम रहा था तो इसका भी एनर्जी होगा और इसका अपने के कारण एनर्जी होगा, जितना इसके पास एनर्जी था उतना ही एनर्जी और दे देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव माने जीरो कर देंगे, चला जाएगा। तो टोटल एनर्जी देंगे कितना, याद रखिएगा कि इसका हो जाएगा हाफ एम ऑर्बिटल का स्पीड प्लस जी एम एम बाई आर, आर मास का। देखिए मास इसका दिया हुआ है कितना है 8000, और ऑर्बिटल का जो स्पीड जो होगा जी एम बाई आर, इसके अलावा इसके चारों तरफ भी घूम रहा है, जी एम एम जी एम बाई आर, आर मतलब ये वाला डिस्टेंस, और प्लस जी एम डैश और एम बाई इसका रेडियस, आर मास का। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, ये दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दी पावर 30 बाई, और ऑर्बिटल रेडियस है इसका, और ऑर्बिटल रेडियस है रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट 2.28 इंटू 10 टू दी पावर 3, 2.28 गुने 10 टू दी पावर 3, सॉरी 8 है, ये एक किलोमीटर है, इसको मीटर में बना लेना है, प्लस ये हो जाएगा 6.67 10 टू दी पावर माइनस 11 है इसका मास, 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 23, और ये हो जाएगा 8000 बाय इसका रेडियस, मास का रेडियस दिया हुआ है 3395 किलोमीटर है। इतना सॉल्व कर लीजिएगा इसको, 10 टू दी पावर माइनस 11 है ही है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा, और इसका जो आंसर जो आया है 2. इसका आंसर है 2.44 10 टू दी पावर 12 जूल। नेक्स्ट है, थर्टी सिक्स नंबर देखिएगा। तो 36 माने सेक्शन, अब सेक्शन बी में चलते हैं, सेक्शन ए हो चुका, सेक्शन बी में देखिए। पहला है कि फॉर एनी आर्बिट्री मोशन, किसी टाइप का मोशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू, कौन सही है। पहला है कि एवरेज वेलोसिटी जो है, पहला जो एवरेज वेलोसिटी है वी टी वन प्लस वी टी टू, माने इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू, एवरेज वेलोसिटी वो बराबर नहीं हो सकता है, वो होता है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा था, लेकिन किसी भी मोशन में ऐसा नहीं होता है, पहला गलत हो गया। दूसरा है कि आर माने फाइनल माने टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम ही लिखा हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम जो होता है वो एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है, चाहे किसी भी टाइप का मोशन हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, या एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, किसी टाइप का हो, तो दूसरा एकदम करेक्ट है। तीसरा जो है वी बराबर यू प्लस एटी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये है ना, जीरो का मतलब हुआ कि टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी, तो हम लोग टी बराबर जीरो पर टी बराबर जीरो पर जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग यू कहते हैं, तो यहां पर वी बराबर यू प्लस एटी, इसलिए सी क्या है, गलत है, सभी के लिए नहीं होगा, वी बराबर यू प्लस एटी होता है सिर्फ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। और डी जो है ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट बराबर एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, और ई जो है एवरेज जो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, ये भी किसी भी टाइप का मोशन रहे उस सब के लिए होता है, एनी टाइप के लिए आंसर हो जाएगा बी और ई, मतलब आंसर हो जाएगा इसका थ्री नंबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा थ्री।
ऑप्शन सही है थ्री नंबर 37। पता है कि 5 केजी का ये ब्लॉक है, यहां पर देख लीजिए, देखिए ये 5 केजी का ही ब्लॉक है, 5 केजी का ब्लॉक है, रफ इनक्लाइन प्लेन पर छोड़ देते हैं तो ये नीचे आता है, ये यहां आ जाता है, ये 20 सेंटीमीटर नीचे आता है, यानी कि 0.2 मीटर। द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज अनस्टेस्ड पोजीशन, द ब्लॉक मूव्स 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर डाउन द इनक्लाइन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इनक्लाइन यू का वैल्यू पूछता है। 20 सेंटीमीटर आया तो 20 सेंटीमीटर में इसमें इलोंगेशन होगा, तो इस ब्लॉक को जैसे नीचे जाएगा तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी यहां भी जीरो हो गया है और यहां भी जीरो ही है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, तो वर्क डन कौन कौन लगेगा, एक स्प्रिंग जो फोर्स लगाया होगा टेंशन के बराबर, यहां पर ये स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन स्प्रिंग फोर्स के द्वारा प्लस वर्क डन एमजी के द्वारा प्लस वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा, ये तीनों के कारण वर्क डन का सम जो है जीरो होगा। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन निगेटिव होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एमजी के द्वारा वर्क डन हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे आ रहा है तो एमजी एच कितना नीचे आएगा, तो देखिए इतना ही नीचे आएगा ये, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है 30 डिग्री है तो ये 5 सेंटीमीटर नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 5/100। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू एन टू में एमजी कॉस 37 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 सेंटीमीटर 0.2 बराबर 0। यहां से म्यू का वैल्यू निकाल लीजिएगा, म्यू निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 0.115। मैंने इस इक्वेशन को लिखना है, कैसे लिखेंगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी चेन में जीरो हो रहा है, चेन क्योंकि शुरू में भी जीरो है बाद में भी जीरो है, तो तीन तीन फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा पीछे, डिस्प्लेसमेंट होगा आगे, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे ही, इसी लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन एमजी किधर लगेगा नीचे, तो एमजी के कारण वर्क डन क्या हो गया नीचे आ रहा है कितना सेंटीमीटर, ये 10 है ना, सॉरी ये हो जाएगा 20 है तो ये 10 इसका आधा हो जाएगा ना 30, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री कर दो तो ये हो जाएगा कितना 10 बाई 100, क्योंकि 10 सेंटीमीटर नीचे आएगा, 20 सेंटीमीटर गया है तो इसका हाफ आ जाएगा, क्योंकि ये है इतना, तो यहां से म्यू का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स में डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे, तो 20 सेंटीमीटर लेंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है थर्टी एट नंबर। ए टैंक विथ अ स्क्वायर बेस एरिया दिया हुआ है 3 मिलीमीटर के स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय द वर्टिकल पोजीशन बाय द मिडिल बॉटम ऑफ द पार्टीशन है द स्मॉल हिंग, और बॉटम पर स्मॉल हिंग दिया हुआ है ना, डोर ऑफ द एरिया 30 सेंटीमीटर, दरवाजा के एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो दरवाजा का जो एरिया जो है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, टैंक इज फिल्ड विथ वाटर इन वन कंपार्टमेंट एंड द एसिड एंड अदर बोथ
एंड इन अदर बोथ द हाइट 3 मीटर कंप्यूट द फोर्स नेसेसरी. फोर्स किसके कारण लगेगा? तो प्रेशर डिफरेंस के कारण लगेगा. तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहां पर कहता है कि फोर्स किसके कारण लग रहा है, तो फोर्स हम लोग फोर्स जो है इसका डेंसिटी दिया हुआ है ना, और डेंसिटी तो दिया हुआ है. हाइट है 30 सेंटीमीटर और एरिया है, हाइट है 3 मीटर, स्क्वायर बेस एरिया है, तो 3 मीटर हाइट भी है, तो हम लोग कर लेंगे. स्क्वायर बेस एरिया है, हाइट है 3 मीटर और एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 × 10⁻⁴ स्क्वायर. तो प्रेशर में जो चेंजिंग जो होगा, डेंसिटी में जो चेंजिंग होगा, एच रोजी एच हो जाएगा इतना. तो फोर्स पूछता है ना, तो फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर अगुने में एरिया. तो डेंसिटी का जो चेंजिंग हो गया, जी एच गुने में एरिया से गुना कर दीजिएगा. डेंसिटी दिया हुआ है, एक साइड है डेंसिटी कितना दिया हुआ है, एक है 1.9, डेंसिटी जो है 1.9 और एक है 1 सीजीएस में दिया हुआ है. इधर वाटर 1 गुने सीजीएस 10⁻³, जी का वैल्यू 10 ले लेंगे, हाइट ले लेंगे 3 और ये कितना हो जाएगा 30 × 10⁻⁴ न्यूटन. इसको सॉल्व कीजिएगा, 81 आ जाएगा 21 न्यूटन, क्योंकि हो जाएगा 0.9 आई हो जाएगा 3 3 9, 81 न्यूटन आ जाएगा. नेक्स्ट है 39. कहता है कि एक गीजर हीट्स वाटर, गीजर जो है वाटर को हीट करता है फ्लोबिंग एट रेट 5 लीटर पर मिनट. 5 लीटर पानी है ना, तो याद रखता है कि 5 लीटर का वजन होता है, मास होता है 5 kg पानी के लिए, और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट. टेम्परेचर का चेंजिंग हो रहा है 67 − 27°C, तो ये हो जाएगा 40°C, इतना चेंज इन टेम्परेचर हो गया है. गीजर ऑपरेट ऑन द गैस बर्नर, गैस बर्नर पर है. व्हाट इज द रेट ऑफ कंबसन ऑफ द फ्यूल इफ हीट, दिया हुआ है कितना, तो पर सेकेंड हम हीट देख लेते हैं कितना है, फिर उससे डिवाइड कर देंगे. ये दिया हुआ है 2.5 × 10⁴ जूल पर ग्राम. तो पर ग्राम पर सेकेंड निकालने के लिए कहता है, तो हम लोग की निकाल लेते हैं हीट पर सेकेंड कितना हीट हो गया. तो हीट पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा ms delta t by time. मास कितना हो जाएगा 5 kg. स्पेसिफिक हीट वाटर का, वाटर का स्पेसिफिक हीट सीजीएस में लेंगे तो 1, तो ग्राम में है ये, तो 5 kg को जगह पर 5000 ग्राम कर देते हैं, क्योंकि हमको ये च्वाइस है, ये ग्राम में दिया हुआ है और च्वाइस भी है, च्वाइस के देखते हुए ग्राम पर सेकंड में च्वाइस है, मैंने सीजीएस में च्वाइस है, इसलिए सीजीएस में लेना पड़ेगा. तो हो जाएगा 5000 गुने मोमन और टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 40 और टाइम हो जाएगा 60, इसलिए इतना आ गया. ये रेट ऑफ कंबसन 39 है, तो रेट ऑफ कंबसन कितना हो जाएगा, ये 5000 इतना जूल पर सेकंड हो गया, और ये हो गया 2.4 × 10⁴ जूल पर ग्राम. तो ग्राम ऊपर चल जाएगा, सॉल्व करिएगा तो इतना ग्राम पर सेकंड, सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका
0.56 ग्राम पर सेकेंड। ये क्या कि पर सेकेंड कितना एनर्जी मिल रहा है ना, इतना एक ग्राम में इतना जूल एनर्जी इसको कंबसन होता है, इसलिए उसे डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 14 नंबर। फोर्टी कहता है कि हीलियम गैस है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 16.8 लीटर, एसटीपी पर है, आइडियाबेटिकली कंप्रेस्ड कर दिया गया है, आइडियाबेटिकली एसटीपी पर है, तो आइडियाबेटिकली कंप्रेस्ड कर दिया गया है, V1 है और V2 है, 2.1 लीटर। तो कहता है कि वर्क डन इन द प्रोसेस, टेम्परेचर है इस पर, टेक द इनिशियल टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे तो फिर वर्क डन निकल जाएगा। फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है T × V/γ-1 = constant, तो T1V1/γ-1 = T2V2/γ-1। यहां से निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग T2 = T1 × V1/V2/γ-1 T1 V1 कितना है 16.8 और 2.1/γ। गामा का वैल्यू मोनोटोमिक गैस है, गामा 5/3 होता है, ये कितना हो जाएगा 8 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और 2/3 हो गया, तो 2/3 तो इसको 2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 41। बाद में जो टेम्परेचर जो हो गया, तो कहता है कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, आइडियाबेटिक प्रोसेस है ना, तो आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है NR T1 - T2 / γ-1 NR T1 - T2 / γ-1। वर्क डन इन द प्रोसेस पूछता है, तो इसमें जो है T2 = 41, कितना मोल है ये, 1 अच्छा छोड़ दीजिए अभी, T1 कितना है, T2 है 4T1 बाई γ-1 करते हैं, γ-1 कितना होगा 5/3 - 1 NR गुने में -3T1, ये हो जाएगा 2/3, माने 3NR × 3T1/2 -3/2 N का वैल्यू देखिए, इतना लीटर गैस है तो N निकालेंगे तो 16.8 बाई गुना कर देंगे और R × 3T, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा पहला लगभग 27/8 RT1 आएगा, ये इसको सॉल्व कर आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, वर्क डन इन द प्रोसेस यही होगा। नेक्स्ट है 41, क्यों, क्योंकि एसटीपी पर इतना लीटर है तो एक मोल होता है 22.4 लीटर, तो इतना लीटर कितना मोल होगा, इसलिए नंबर और मोल निकालने के लिए 22.4 लीटर से डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट है 41, मोनोटोमिक आइडियल गैस यूज्ड कार्नोट इंजन, मोनोटोमिक गैस है, गामा हो गया 5/3, कार्नोट इंजन इज वर्किंग सबस्टांस ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन
पार्ट ऑफ द साइकिल वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज फ्रॉम वी वन टू वी टू, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T1/T2, तो हमको निकाल लेना है टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर का रेशियो निकालना है। देखिए तो टी इंटू वी पर पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एडियाबेटिक के लिए, टी वन वी वन पर पावर गामा माइनस वन बराबर टी टू वी टू पर पावर, यहां से टी वन बाई टी टू निकालेंगे तो वी टू बाई वी वन पर पावर गामा माइनस वन, वी टू कितना हो गया है 8V, और ये हो जाएगा वी पर पावर गामा माइनस वन, ये 8 इंटू में 5/3 माइनस वन 2/3 4 हो गया, इसका वैल्यू 4 हो जाती है। इफिशियंसी बराबर हो गया 1 माइनस उल्टा कर दीजिएगा 1/4 तो हो जाएगा 3/4, तो परसेंटेज निकालना है तो 3/4 × 100 कितना आ जाएगा 75%, 75% इफिशियंसी होगा। नेक्स्ट है 42, 1 mole ऑफ मोनोटोमिक आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम द साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस है ये, देख लीजिए फिगर, इधर वॉल्यूम है इधर प्रेशर है, जिसका ए बी सी डी, यहां का वॉल्यूम है 1V और यहां पर है 3V और यहां पर है 9V और यहां पर का प्रेशर है 1P और यहां पर प्रेशर है 3P, ए बी सी डी है, ऐसे साइक्लिक प्रोसेस है ये। अब इसी में पूछता है 1 mole है, नंबर ऑफ मोल कितना है 1, मिलाना है मैच कराना है। पहला है प्रोसेस ए बी, ए बी कौन सा प्रोसेस है, देखिए ए बी जो प्रोसेस है, ए बी जो है आइसोबारिक है, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो पहला चॉइस देखिएगा ए बी में, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो सही है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो ए जो है पी के साथ मिल गया, और है क्या, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, वर्कडन क्या होगा, वर्कडन जरा देख लेते हैं, तो वर्कडन वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वर्कडन निगेटिव होगा, तो वर्कडन निगेटिव होगा तो वर्कडन ऑन द गैस होगा, ए भी हो गया तो वॉल्यूम भी नेगेटिव, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग इसमें लगा देते हैं डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, नहीं डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो हीट भी नेगेटिव हो गया, और हीट भी नेगेटिव हो गया तो हीट क्या करेगा, लॉस होगा, हीट रिलीज करेगा, हीट नेगेटिव तो हीट क्या करेगा, लॉस होगा। तो इसका तीन तीन को आंसर जा रहा है, इसलिए पहला का हो गया, पहला किससे मैच किया, ए जो है किससे मैच किया, पी से मैच किया, और लॉस्ट आने आर से मैच किया, और वर्क डन ऑन द गैस एफ से मैच किया, था पी आर एफ किस में है, दो गो में आ गया, देख लीजिए पी आर एफ दो गो में है, ये वो चार में भी है, तो फिर एक और चलते हैं बी पार्ट के लिए चलते हैं, बीसी के लिए चलते हैं, बीसी 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 देखते हैं, हमको यहां तो ऑप्शन फिक्स हो गया कि चाहे तो सेकंड होगा नहीं तो फोर होगा। अब सेकंड फोर के लिए हम लोग को क्लियर करना है, माने दूसरा के लिए बी के लिए, तो बी बी के लिए क्या है प्रोसेस है, बीसी बीसी कैसा प्रोसेस है, ये जो बीसी जो है आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क जीरो होगा और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निगेटिव होगा और वर्क तो जीरो होगा,
देखते हैं कि वर्क डन ऑन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, तो सेकंड का डिक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो पी तो होवे करेगा, तो पी भी बी का पी दोनों दिया हुआ है, और एक आर है हीट इज लॉस्ट, हीट लॉस इसमें नहीं होगा, और हीट की बात करते हैं तो इसमें भी हाला डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू कर दीजिएगा तो जीरो हो गया, और ये निगेटिव हो गया, तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव, इसमें भी हीट क्या करेगा, लॉस करेगा, इसलिए ऑप्शन हो गया आंसर सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर जो हम लोग देंगे कौन सेकेंड दे देंगे, दो ही से मिल गया, बाकी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है 43। कहता है कि द एंड्स ऑफ द स्ट्रेच वायर लेंथ एल फिक्स्ड एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू एल इन वन एक्सपेरिमेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर, वायर का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 43 नंबर है, ये वाई वन बराबर है ए साइन 4πx/L इंटू में साइन 2ωt, ठीक है, और y2 जो है a साइन πx/L इंटू में साइन 2ωt/2, तो कहता है कि एनर्जी इवन है और इसमें एनर्जी E2 है, इस वेव का एनर्जी E1 है और इस वेव का एनर्जी E2 है, ये तो कहता है कि एनर्जी इज E1 इस वेव का x इक्वल टू जीरो से x बराबर L तक, और उसमें जो है इस वेव का एनर्जी जो है E2 है, तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी जो होता है दोनों वेव का तो एम्पलीट्यूड समय है, एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का, तो ए तो, ए तो यहां पर सेम ही है, ए में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ए दोनों के लिए तो सेम ही है दोनों वेव का, तो हो जाएगा E1/E2 ω1/ω2 का स्क्वायर, ओमेगा इसमें कितना है 2ω और इसमें ओमेगा कितना है ω/2, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, तो E1 हो जाएगा 16E2। नेक्स्ट है यानी आंसर हो जाएगा इसका 4, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो सेम ही था दोनों वेव का ही सेम है, तो इससे ओमेगा स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर का होता है, अब फ्रीक्वेंसी सेम रहता है तब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का होता है। नेक्स्ट है 44। एक्स वी एन टी ए डिनोट द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, माने एक्स है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, SHM का है, टाइम पीरियड टी है, विच ऑफ द फॉलोइंग से डज नॉट चेंज विद टाइम, कौन जो है टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, तो देखिए टाइम पर डिपेंड नहीं करता है तो टाइम पीरियड तो कांस्टेंट है, देखिए तो मान लेते हैं कि x बराबर है a साइन ओमेगा t, तो v बराबर हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, और ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, टाइम घट इसमें डिवाइड करेंगे तो कट कट जाएगा, टाइम भागेगा, यानी x बाई a जो होगा a बाई माइनस a ओमेगा स्क्वायर होगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई ए टाइम पर डिपेंड नहीं करता, वो मेगा तो कॉन्स्टेंट है, एक्स बाई ए नहीं है लेकिन ए टी बाई है एक्स, तो ठीक है ये टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, और ये टाइम वो कॉन्स्टेंट भी टाइम पर सॉरी टाइम पीरियड भी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पीरियड भी तो कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड, यही आंसर होगा, सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है 45 नंबर, देखिएगा
वायर ऑफ लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू द सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ टू इक्वल हाफ, सेमी सर्कुलर आर्क है ये सेमी सर्कुलर आर्क बना दिए हम लोग ऐसे, थोड़ा सा और अच्छा से बना देते हैं। 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, आधा पर पॉजिटिव चार्ज है और आधा पर नेगेटिव चार्ज है, इसका सेंटर ये है। पूरे 10 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस पर है प्लस क्यू और इस पर है माइनस क्यू। सबसे पहले चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा लैम्डा दोनों पर, क्यू बाई लेंथ, लेंथ हो जाएगा 5 इंटू 10^-2 मीटर में। लैम्डा निकलिएगा तो क्यू बराबर है 500 ε0 10^-2 यानी 10^4 ε0 लैम्डा हो गया। उसका ही लैम्डा वही होगा लेकिन माइनस में, और ये भी हो गया प्लस लैम्डा। और आपको पता होगा कि यदि क्वार्टर सर्किल है, ये क्वार्टर सर्किल है ये, इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, रेडियस आर है, तो ये कंपोनेंट इधर होता है लैम्डा बाय 4πε0r और एक इधर होता है लैम्डा बाय 4πε0r। रेडियस पहले निकालना होगा, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो मान ले कि इसका रेडियस यदि आर है तो क्या लिखेंगे, पाई इंटू में आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बाई पाई, मीटर में करिएगा तो 1/10π, रेडियस भी निकल गया। यहां पर देखिए इसके कारण जो इंटेंसिटी होगा एक इधर होगा और एक इधर होगा, लैम्डा बाई 4πε0 इंटू में आर, इधर हो जाएगा लैम्डा बाई 4πε0 इंटू आर। इसके कारण होगा तो इधर होगा प्लस वन चार्ज को रखेंगे, निगेटिव चार्ज ना है, इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, लैम्डा बाई 4πε0 इंटू आर, इधर हो गया लैम्डा बाई 4π, दोनों का ये दोनों तो बैलेंस कर रहे कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये दोनों एड हो जाएगा लैम्डा बाई 4πε0, टोटल इंटेंसिटी हो जाएगा यहां पर लैम्डा बाई 4πε0 इंटू आर इंटू 2 times, यानी कि लैम्डा बाई 2πε0 इंटू में आर। अब वैल्यू रख देते हैं, लैम्डा निकाल चुके हैं 10^4πε0 2πε0 इंटू में आर के जगह 1/10π, पाई से पाई कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, 10^5 हो जाएगा माने 100/2 उन्हें 10^3 न्यूटन पर कूलम, यानी कि 50×10^3 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस में यानी आई में हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 नंबर, आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है 56। देखिए 46 है, बहुत छोटा स्फेरिकल आयल ड्रॉप है कैरिंग ए नेट चार्ज क्यू इज ए बैलेंस इन स्टील एयर, स्टील एयर में बैलेंस किया हुआ है, इसका मतलब है कि हवा जो फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की ओर और एमजी नीचे बैलेंस किया हुआ होगा, तो भी रो जी एयर का बराबर एमजी निश्चित है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, एयर विद भर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, एमजी नहीं है यहां पर, कीवी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कीवी इसको बैलेंस किया हुआ है, ठीक है 46 नंबर है तो इसको बैलेंस किया हुआ है, तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, क्यू बराबर वॉल्यूम डेंसिटी जी बाय ई, हमको वॉल्यूम निकल जाएगा तो चार्ज निकल जाएगा,
चार्जिंग पूछता है तो वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए हमको चाहिए रेडियस, चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो भी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो बाई ईटा, डी माइनस रो बाई ईटा होता है ना। तो ये जो टर्मिनल जो वेलोसिटी जो है, टर्मिनल वेलोसिटी जो दिया हुआ है और डेंसिटी भी दिया हुआ है, दोनों का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, एयर का दिया हुआ है और उसका दोनों का आयल का भी दिया हुआ है, एयर का और उसका आयल का भी दिया हुआ है। ये टर्मिनल वेलोसिटी 2 × 10⁻³ 2/9 आर स्क्वायर इंटू में आयल का दिया हुआ है 9000 माइनस और एयर का भी विस्कोसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है और डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे दिया है, एयर का डेंसिटी को हम लोग मान लेते हैं कि नेग्लिजिबल कर सकते हैं। इसके रेस्पेक्ट में तो आयल ड्रॉप का जो डेंसिटी जो है 900 केजी पर मीटर क्यू है, तो उसके रेस्पेक्ट में तो नेग्लिजिबल कर लीजिए इसको। और ये जो दिया हुआ है इसका जो वैल्यू जो है विस्कोसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इंटू में जी होता है, जी का वैल्यू हो जाएगा 9.8 बाई विस्कोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 1.8 × 10⁵। यहां से सॉल्व कर करके आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा तो हम लोग को मास दिया हुआ होगा, आयल ड्रॉप का वॉल्यूम निकालना होगा ना, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम निकल जाएगा तो चार्ज यहां से निकल जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में डेंसिटी फिर दिया हुआ है इंटू में जी बाई ई, सब दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 2 × 10⁻¹⁹ कूलम। इंटेंसिटी भी प्रॉब्लम में दे दिया है 2 × 81 पाई बाई 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 47। मेन है इसका कि वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम निकल जाता तो ना भी रोजी यूज करते हैं। नेक्स्ट है 47। पर्लर प्लेट कैपेसिटर इज ए प्लेस इन द टू सर्कुलर प्लेट सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 4 mm विथ ए डायलेक्ट्रिक और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.5 के दिया हुआ है, के दिया हुआ है 3.5 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। विद इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव प्लेट, चार्ज डेंसिटी पूछता है तो होता है फॉर्मूला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइलेक्ट्रिक भी है इक्वल टू ई होगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू में इंटेंसिटी। ये 47 है, इसका वैल्यू सब रख दीजिए, सब चीज दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है ना, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हमको तो पता ही है कि 8.85 × 10⁻¹² और के का वैल्यू 3.5 और इंटेंसिटी 4 × 10⁴ इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा इसका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 48। डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि जानते हैं कि कैपेसिटर के बीच में अंदर में जो डिस्टेंस होता है, दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है कैपेसिटर में, वो इंटेंसिटी उस डिस्टेंस से मतलब नहीं रखता, इसलिए डिस्टेंस नहीं लिए, उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। 48 मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड इन ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, 15 वाइब्रेशन पर सेकेंड पर मिनट, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 15 ओसिलेशन पर मिनट, और दूसरा दिया हुआ है 45 ओसिलेशन पर मिनट, दूसरा का है मैग्नेट रख दिया गया है। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड बराबर 2π√i/mBh, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1π√i/, उल्टा हो जाएगा यहां, mBh अब भाई आई। यहां पर ये बात देखिए, ए पर और बी पर दोनों पर वाइब्रेट करा रहा है, लेकिन दोनों पर उसी वही मैग्नेट है, तो जब वही मैग्नेट है तो ये दो हो गया आपका कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √bh का, f1/f2 बराबर √b1/b2। f1/f2 करेंगे तो 1/3 यानी वो स्क्वायर कर दीजिए 9, b1/b2 1 पर दिया हुआ है ना, a पर दिया हुआ है 12, ये 12 दिया हुआ है, 12×10⁻⁶ टेस्ला, तो b2 निकालना है तो 9×12 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 108×10⁻⁶ टेस्ला आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर कौन हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है 49। नंबर देखिएगा, द रियल एंगल ऑफ डीप ऑफ ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट एन एंगल 30 डिग्री, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द डीप नीडल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से तो पूछता क्या है, रियल डीप पूछता है कि नहीं, रियल डीप, तो फॉर्मूला हमको पता है, पिछले वाला क्वेश्चन में भी था ऐसा, टेन डेल्टा डैश बराबर होता है टेन डेल्टा और बाई कॉस थीटा, टेन डेल्टा रियल डिप हो गया, टेन डेल्टा डैश इंटू में कॉस थीटा, ठीक है ना। उसके बाद जो दिया हुआ है इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है थीटा का वैल्यू और डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और टेन कॉस 30 डिग्री, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा डेल्टा = टेन इनवर्स 3/2, आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर। 49 के बाद है 50, बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है m का वैल्यू 8 एम्पियर मीटर दिया हुआ है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन बी रख दिया गया 5×10⁻⁵ टेस्ला, इच पोल ऑफ द मैग्नेट एक्सपीरियंस फोर्स दिया हुआ है दोनों पोल्स पर 32×10⁻⁴ न्यूटन, तो फोर्स बराबर हो गया m बराबर होता है, देखिए कैपिटल m बराबर होता है लेंथ और गुने में m बराबर हो जाएगा m/length इंटू में b, पूछता क्या है लेंथ पूछता है, तो लेंथ बराबर हो गया mb/f, हो जाएगा 8 इंटू में b का वैल्यू 5×10⁻⁵ और फोर्स का वैल्यू है 32×10⁻⁴ है, ये कट जाएगा 4 से,
और ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5/4 इंटू 10^-1 मीटर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 50/4 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट, ये था आपका जो 50 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और इसको जरूर आप लोग देखिएगा। थैंक यू।